एक जंगल में हाकू नाम का शेर रहा करता था। जंगल का राजा हाकू खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक दोस्त भी था जिसको हाकू अपने दिल की हर बात बता दिया करता था। एक दिन जब हाकू शिकार करने निकला, तब हाकू की गैर मौजूदगी में किसी ने हाकू की पत्नी को मार डाला। हाकू अपनी पत्नी की मौत से बहुत दुखी था। एक दिन जब हाकू को एक जरूरी काम के लिए जाना था, तब हाकू ने अपने दोस्त को उसके बेटे का ख्याल रखने के लिए कहा। मेरे दोस्त, तुम मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना, मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ। बिल्कुल हाकू, चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना। हाकू का दोस्त असल में बहुत शातिर और बुरा था। उसी ने हाकू की बीवी को भी मारा था और वह उसके बेटे को भी मार डालना चाहता था। आओ बच्चे, आज तुम्हें मारने का समय आ गया है। बस अब तुम्हारे पापा हाकू को मारने के लिए देर नहीं लगेगी। फिर इस जंगल में सिर्फ मेरा राज होगा। ऐसा कहकर वह हाकू के बेटे को मार देता है। यह सब करते हुए तोता पेड़ से देख लेता है। वह तुरंत उड़कर हाकू को ढूंढता हुआ जाता है और उसे सारी बात बताता है कि उसके दोस्त की सच्चाई क्या है। हाकू को तोते की बात पर विश्वास ही नहीं होता और नदी के पास जाता है। हाकू का दोस्त हाकू को ढूंढता हुआ नदी के पास पहुंच जाता है। अपने दोस्त की परछाई नदी में देखकर हाकू को तोते की बात पर विश्वास हो जाता है और वो पलटकर अपने दोस्त को हैरानी से देखता है। दोनों के बीच खूब युद्ध होता है, लेकिन अंत में वो अपनी जान बचाने में सफल हो जाता है और उसके बाद एक अच्छे दोस्त को खोने का, अपनी पत्नी और बेटी को खोने का उसे हमेशा मलाल रह जाता है। काश मैंने अपने दोस्त पर विश्वास न किया होता, तो आज मेरा बेटा, मेरी पत्नी मेरे साथ होते। हाकू जाकर तोते का धन्यवाद देता है, क्योंकि आज उसी की वजह से उसकी आंखों पर पड़ा विश्वास का पर्दा हट चुका था। एक घने जंगल में मंगलू नाम का एक शेर रहा करता था। वो एक अलग प्रकार का शेर था, क्योंकि उसके पास उड़ने के लिए सोने के पंख थे। वो रोज जंगल में उड़ता हुआ शिकार की खोज किया करता था और अपनी गुफा में वापस लौट जाया करता था। जंगल में शेरू नाम का एक दूसरा खूंखार शेर रहा करता था, जो सभी जानवरों को बेवजह मार डाला करता था। तभी सभी जानवर उससे बहुत परेशान हो चुके थे। उसी जंगल में दो प्यारी प्यारी बिल्लियां रहा करती थी, सोना और मोना। वो दोनों उड़ने वाले शेर के बारे में जानना चाहती थी। एक दिन सोना ने मोना से कहा, मैं रोज सोचती हूँ कि शेर के पास पंख आए कैसे। ये शेर बाकी शेरों से बिल्कुल अलग है। एक दिन सोना और मोना शेर के पास जाती हैं। शेर उन्हें अपनी कहानी सुनाता है। एक दिन मेरे माँ बाप शिकार करने गए, उन्हें घर वापस आने में बहुत समय लग गया था। मुझे उनकी चिंता हुई और उन्हें मैं ढूंढने निकल पड़ा। फिर मुझे वो दोनों नदी के पास दिखे, वो मर चुके थे। पास ही एक पंडित बैठा हुआ था, मैंने उन्हें घायल कर दिया, यह सोचकर कि उन्होंने ही मेरे माँ बाप को मार डाला है। उस पंडित ने मुझे श्राप दिया और ये सोने के पंख दे दिए। लेकिन ये पंख तुम्हारे बहुत काम आते हैं, ये तो श्राप कैसे हुए? ये पंख बहुत भारी हैं और इनकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती है। साथ ही मैं अपने असली रूप को याद करता हूँ तो बाकी शेरों को देख मुझे दुख होता है। क्या तुम ये श्राप हटा सकते हो? हाँ हाँ, हटा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक दूसरे शेर को मारना होगा जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो। अच्छा। मोना और सोना को तभी शेरू का ख्याल आता है। मोना कहती है, हाँ,
हमारे जंगल में एक शेर रहता है जिसका नाम है शेरू। जानते नहीं, भूल गए क्या? वो सभी जानवरों को बहुत परेशान करता है। तुम उसे मार के अपना श्राप मिटाओ और साथ ही जंगल के जानवरों की मदद भी करो। शेर मोना और सोना की बात मानकर शेरू के पास जाता है और एक लंबी लड़ाई के बाद उसको मार गिराता है। उसी वक्त उसके सोने के पंख हट जाते हैं और वो पहले की तरह अपने असली रूप में आ जाता है। यह देखकर वो बहुत खुश होता है और सोना और मोना को धन्यवाद कहता है। तीन चतुर बकरियां। गोविंद के पास तीन बकरियां थी। तीनों बहुत चतुर थीं। गोविंद तो उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन बकरियों का दिल हमेशा बंधन से छूटने में लगा रहता। हाँ, कितना कमाएगा ये गोविंद? इतने पैसे कमा चुका है, फिर भी हमें डालने के लिए इसके पास अच्छा खाना नहीं। दूसरी बकरी कहती है, ठीक कहते हो बहन, मगर करें क्या? मैं तो इस बंधन से आजाद होना चाहती हूँ। तभी तीसरी बकरी कहती है, जो तीनों में सबसे ज्यादा होशियार थी, एक उपाय है मेरे पास। बोलो, कहूँ तो बताऊँ तुम्हें? हाँ हाँ बताओ, क्या करें? वो जो पंडित जी आते हैं, हर रोज यहाँ से गुजरते हैं, उनसे बात की जाए। क्या बात करेंगे? पंडित जी से कह दूंगी कि इन तीन बकरियों को दान में दे दे तो वो और भी धनवान बन सकता है। ऐसा करने पर वो हमारा खूटा खोल देगा और हम पंडित के साथ चले जाएंगे। पंडित तो घर में टिकता नहीं, सारा दिन इधर उधर दक्षिणा के लिए घूमता है। हम उसके घर में किसी दिन मौका पाकर आजाद हो सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। तीनों बकरियां अपनी बात पंडित को बताती हैं। पंडित हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, बात करने वाली बकरियां, गोविंद ने कभी बताया नहीं, ये तो बड़ी मायावी लगती हैं। इनकी बात मान लूं तो मेरी चांदी ही चांदी है। गोविंद के मन में पंडित ये बात डाल देता है। देखो गोविंद, तुम्हारी उम्र अब काफी हो गई है, तुम्हें कोई लड़की मिलती नहीं, उसका कारण ये तीन बकरियां हैं। जिस घर में इस तरह की तीन बकरियां हो, वहां लड़की आना बहुत मुश्किल है, तुम्हें इन तीनों को दान में देना होगा। गोविंद अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी तीनों बकरियां पंडित को दे देता है। देखा, बात बन गई, आज रात ही पंडित के घर से भाग जाएंगे। तीनों बकरियां बड़ी उम्मीद के साथ पंडित के घर पहुंचती हैं, मगर वहां पंडित एक ग्राहक को बुलाकर पहले से रखता है और उसके हाथ तीनों बकरियों को बेच देता है। तब तेरे की, ये पंडित तो बहुत चालाक निकला, कुछ करना होगा। तीनों बकरियां पंडित से कहती हैं, पंडित, तूने धोखा दिया ना, जानता है ना हम बोलती हैं, भगवान से बात करती हैं। आज रात तू खत्म, देख लेना, आज ही भगवान से बात कहूंगी। ऐसा कहते ही पंडित डर जाता है और सारे पैसे खरीदार को वापस लौटा देता है। फिर वो कहता है, तो भाई मुझे छोड़ दो, आखिर तुम चाहती क्या हो? हमें आजादी चाहिए, खोलो ये खूंटा। तीसरी बकरी की बात मानकर पंडित खूंटा खोल देता है और तीनों बकरियां अपनी जान बचाकर जंगल में पहुंच जाती हैं। तो देखा, समझदारी से काम किया तो आजादी मिल गई। एक समय की बात है, एक गांव में किशोर नाम का मुर्गी वाला रहा करता था। उसके पास बहुत सारी मुर्गियां थी जिनके अंडे वो बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। लेकिन एक दिन जब किशोर अपनी मुर्गियों के अंडे इकट्ठे कर रहा था तो वो एक चीज देखकर बड़ा हैरान रह गया। एक बड़ा अंडा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये क्या, इतना बड़ा अंडा, ये तो सबसे अलग है, बहुत अलग दिख रहा है। किशोर अंडे को हैरानी से देखता है और सोचने लगता है कि आखिर इतना बड़ा अंडा किस मुर्गी ने दिया होगा। वो जल्दी जल्दी बाजार गया और सारे बाजार के लोग बड़ा अंडा देखने के लिए वहाँ आए और हर कोई वो बड़े अंडे खरीदना चाहता था।
अरे भैया, इतना बड़ा अंडा, मुझे भी एक दे दो। बहन जी, ये बस एक ही है, इन्होंने ले लिया, आपके लिए मैं कल ला दूंगा। अरे भैया, मुझे भी चाहिए। हाँ भैया, मुझे भी। हर कोई किशोर का बड़ा अंडा लेना चाहता था। किशोर ने सबसे ज्यादा दाम पे वो अंडा बेच दिया। अब सभी किशोर को ऐसा अंडा फिर से लाने के लिए ललचाने लगे। भैया, कल ला दोगे ना ऐसा अंडा? मैं इंतजार करूंगा और आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। हाँ। अच्छा, ओहो, अब इन लोगों को वो अंडा कहाँ से ला कर दूँ? अगर कल ना दिया तो? और ये मुर्गी कौन है जो इतना बड़ा अंडा दे रही है? अगर इतना बड़ा अंडा देने वाली मुर्गी को बेचा जाए तब तो और भी फायदा हो सकता है। घर पहुंचकर किशोर को फिर से वही एक और बड़ा अंडा मिलता है। वो उसे उठाता है और जोर जोर से मुर्गियों से एक बात पूछने लगता है। बताओ मुझे, ये विशाल अंडा किस मुर्गी का था? तुम में से जिसने भी ये अंडा दिया है मेरे पास आओ, वरना मैं इन अंडों को फेंक दूंगा। यह सुनकर मुर्गी किशोर के पास भागती हुई आई। ये अंडा तो मैंने दिया है। किशोर मुर्गी को देख खुश हुआ और अगले दिन जाकर बाजार में जोर जोर से चिल्लाने लगा। भाइयों और बहनों, ये है वो मेरी चमत्कारी मुर्गी जिसने इतना विशाल अंडा दिया है। आओ आओ आओ, इसे खरीद ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। किसी ने भी किशोर की बात का यकीन नहीं किया। मुर्गी भी समझ गई कि किशोर अब लालची बन चुका है और वो लालच के चक्रव्यूह में फंस चुका है। उसने किशोर से बचकर अपने पंख फैलाए और जंगल की तरफ भाग गई। और अब किशोर के लालच के कारण ना मुर्गी बची और ना ही अंडा।